आजकल इन्होंने अपना नाम आर्टिस्ट रखा हुआ है। अच्छे गुलकार ते आर्टिस्ट नू अपनी असी अज दी बैठक च बुलाया वे ते ओ इस गाने दे नाल जिहदा नाम मरासी है सेलिब्रिटी बन गए और बहुत पॉपुलर ने। असी लाहौर च इस वक्त उन्हां दे प्रोडक्शन हाउस च बैठे हैं ते मिलदे हैं और जी आयां नू आखदे हां जुनैद ज़ाहिर ने जी आयां नू। शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया जनाब। मरासी दा गाना जिहड़ा वे बड़ा ही डिफरेंट गाना और तुसी प्यो दादे नूं भी मरासी बना लिया ते किस सच्ची मुच्ची मरासी है? नहीं नहीं दरअसल जी मैं राजपूता दा मुंडा। अच्छा राजपूता। अरे अच्छा ते दरअसल गाना ते तुहानू पता है कि गाना किसी की मिरास थोड़ी है, तो कोई भी गा सकता है, वो राजपूत होवे, वो भावे कोई जट होवे, भावे असल च मिरासी होवे, ते गाना ते गाना है ना, कोई भी गा सकता है। ते इस गाने दे पिछे एक बड़ी लंबी स्टोरी है, बड़ी अजीब जी थॉट ने, बड़ी एक स्ट्रगल है, ते थोड़े सामने ही है फिर। नहीं लेकिन किस तरह ख्याल आ गया के मरासी नू, मतलब एक एदा कॉन्सेप्ट मैं जानना चाहनी हां क्योंकि बड़ा तड़ा है, तुसी बड़े सेलिब्रिटी बन गए, मशहूर हो गए और हर गड्डी च हर बच्चे च हर मतलब इवन मनु बहुत इम्प्रेस कीता। मैं बड़ा बस वो दरअसल इंदा पीछे एक कॉन्सेप्ट ऐसी के मैं जो म्यूजिक स्टार्ट कीता सी उस तो बाद जिहड़ी सब तो ज्यादा एक गल सुनन नू मिली सी मैनू हमेशा, वो इवन मेरा कोई दोस्त आंदा सी कार या मैं किसी खानदान जाना। अच्छा मैं मजेदार गल दसना सब तो पहले ना तुहानू, मेरे को ना मैं तुहानू पता है कि जो आम फैमिलीज दे जो नॉन म्यूजिकल फैमिली दे लोग ने और जो म्यूजिक स्टार्ट करते ने ना उन्होंने कितने ना कितने प्रॉब्लम जरूर आदि ने, लेकिन मैनू ना बड़ी अलग तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पी हैं। लाइक जिवें मेरी फैमिली वाले मेरे कुछ खानदान के लोग सन, वो मेरे प्रॉपर एंटी हो गए कि यार तू प्रॉपर मरासी वाला काम शुरू कर ले, ठीक है तू सानू बदनाम करते है और ये वो दिस एंड दैट। मैं आपको बता देता हां वही बात, मैं खैर मैं कोई इतनी स्पेसिफिक खास तौर पे अभी कहंदे होंगे राजपूतां दा, हां स्पेसिफिकली कोई गल नहीं सी कीती, लेकिन ना मेरे इवन मैं इतने तक फेस किया है कि मेरे को कुछ तीन चार कार्ड पे ना शादी दे उन्होंने ना वाले साहब का नाम लिखा है कि मोहम्मद जाहिद बमा हेलो अयाल है ना, तो थले बकायदा मेंशन होया कि प्लीज अपने छोटे बेटे को घर छोड़ के आइएगा। इस किस्म की भी मैं मुखालफत बर्दाश्त की, लेकिन खैर सी मैं एक चीज सोची सी कि मैं करांगा तो फिर मैं उन्होंने कंटिन्यू किया। खैर मरासी का मैं जो थॉट सी वो सिर्फ ऐसा सी कि असी मैं जो सब तो ज्यादा वर्ड सुनया सी ना उसी मरासी, असल च मरास की है। मेरी कोशिश सी कि मैं एज एन आर्टिस्ट अपनी कोई ऐसी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर जावा म्यूजिक दे विच कि मेरे जान तो बाद भी हमेशा लोगों नू याद रहे कि यार उन्हें एक ऐसा काम किया सी जिहड़ा स्पेसिफिकली आर्टिस्ट वास्ते सी, समझ रहे जो असल दे विच साडे म्यूजिक दे लोगों वास्ते है। ते अलहमदुल्ला मैं इस बड़ा कामयाब होया, मैनू बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, इवन के दूसरे मुल्कां दे विचों भी मैनू बड़ा प्यार मिले। ते इहदे पिछे जिहड़ा असल थॉट सी वो यही सी कि यार
ਮਿਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਰਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਮਿਰਾਸ ਤੋਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸੀ ਲਾਈਨ ਚ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਮਿਰਾਸੀ ਬਾਏ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਓਨਲੀ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੁਣੋ ਸਭ ਨੇ ਉਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮਰਾਸੀ ਕਲਾਨਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੋਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।